हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, ये डेस्कटॉप सीरीज़ का वीडियो है। इसके पहले की वीडियोस में हमने आपको बताया है कि डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर कौन बन सकता है और उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, आपकी सैलरी क्या हो सकती है और आपकी ग्रोथ क्या हो सकती है। अगर आपको उस वीडियो के बारे में जानना है, उस वीडियो को देखना है, तो हमारा पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप जब डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर का जॉब लेने जाते हैं या जॉब करते हैं, तो आपको एक चीज़ से फेमिलियर होना पड़ता है, जो कि है टिकटिंग टूल। जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, वहाँ पर भी आपको पूछा जाता है कि आपने कभी टिकटिंग टूल पर काम किया है या फिर आपने कौन से टिकटिंग टूल पर काम किया है। इसके साथ ही अगर आप फ्रेशर हैं, तो आप जब इंटरव्यू पास करके जाते हैं, तो फिर आप देखते हैं कि आपको अपने काम के अलावा जो भी आपके बेसिक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं डेली, जो आपको काम करना पड़ता है, उसके अलावा आपको टिकटिंग टूल पे भी कुछ काम करना पड़ता है। तो ये टिकटिंग टूल होता क्या है? दोस्तों, आपके ऑर्गेनाइजेशन में टिकटिंग टूल एक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे जो भी एंड यूज़र होता है वो एक कंप्लेन आपको रेज कर सकता है कि उसे क्या प्रॉब्लम आ रही है या क्या किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। दो तरह से रिक्वेस्ट जाती है, एक है इंसिडेंट और एक है SR, सर्विस रिक्वेस्ट। सर्विस रिक्वेस्ट में उसे कुछ चाहिए होता है, आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। इंसिडेंट में उसे कुछ प्रॉब्लम होती है, आपको रिजॉल्व करना पड़ता है। इस तरीके से हम बेसिक अभी समझ लेते हैं, इसके बारे में हम कभी डिटेल में बात करेंगे, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तो दोस्तों, होता यह है कि आपको कैसे पता चलेगा कि किसी को क्या प्रॉब्लम है? आपके पास एक पोर्टल होता है किसी भी ऑफिस में, ऑर्गेनाइजेशन में, जिसका फ्रंट एंड यूज़र के लिए होता है, सभी के लिए। वो इस पर अपनी कंप्लेंट को रेज कर सकते हैं। सपोज़ करिए मुझे एक प्रॉब्लम है, मेरा कंप्यूटर चल रहा है, सही से नहीं चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। मान लीजिए मेरे को आउटलुक में प्रॉब्लम, मेरा आउटलुक नहीं चल रहा है, तो मैं अपने आईटी को बताऊंगा कि मेरा आउटलुक नहीं चल रहा है। तो मेरे पास एक पोर्टल होगा और उस कंपनी पोर्टल ही होगा, उसमें जाके मैं बताऊँगा कि मेरा आउटलुक नहीं चल रहा है, मैं कहाँ पर बैठा हूँ, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर क्या है और भी कई डिटेल हो सकती हैं कि कब से नहीं चल रहा है या कंप्यूटर का नंबर या कुछ भी। लेकिन उसमें इतना ज़्यादा डिटेल नहीं होता, मिनिमम डिटेल भरने के लिए आपको ऑप्शन होता है, क्योंकि बहुत से यूज़र्स को तो इतनी सारी जानकारी नहीं होती कि आपका सीरियल नंबर क्या है, प्रोडक्ट टाइप क्या है, कुछ भी नहीं। तो सीधा आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपका डेस्क नंबर क्या है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, ये बेसिक चीज़ हम मान के चलते हैं, जो आइडेंटिफाई करेंगे कि आप कहाँ पर बैठे हैं, आपका प्रॉब्लम क्या है, आप तक इंजीनियर कैसे पहुँचेगा। तो आपने ये सारी डिटेल भर दी और सबमिट कर दी, अब ये जाएगी इंजीनियर के पास। आप जब रिक्वेस्ट भरते हैं फ्रंट एंड पोर्टल पे, तो उसका व्यू अलग होता है। आप जब रिक्वेस्ट जाएगी, वहाँ पे एक टिकट बनेगी। टिकट कहने का मतलब ये है दोस्तों कि एक कंप्लेन बन जाएगी, उसका एक नंबर भी जनरेट होगा और वो नंबर उसको मिल जाएगा जिसने भी कंप्लेन लॉक करी है। अब अगर आप डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर हैं, आप अपने कंप्यूटर में देखेंगे, आपके पास वो टिकट बन के आ जाएगी, आप उस पोर्टल में देखेंगे। आपके लिए पोर्टल का व्यू डिफरेंट होगा, जिसने कॉल रोल रेज की है उसके लिए डिफरेंट होगा। आपने उसको ओपन करना, जो भी रिक्वेस्ट आई है, आपको उसका नाम, ये जो भी उसने डिटेल भरी है, नाम, नंबर, डेस्क नंबर या प्रॉब्लम, सब आपको मिल गया। अब आप उसे कॉन्टैक्ट करेंगे, आप उसके पास जाएंगे, जो भी सीट नंबर या जो भी दिया है, और आप जाके आउटलुक नहीं चल रहा है उसको फिक्स करेंगे, दोबारा आके उसको क्लोज़ करेंगे। क्लोज़ करने के टाइम आप क्या डालेंगे, आपने उसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए हैं और कैसे सॉल्व हुआ, जितना भी शॉर्ट तरीके से आप डाल सकते हैं आराम से डालिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। अगर आपके कंपनी में कोई प्रोसेस है इसके लिए, हर जगह कुछ ना कुछ प्रोसेस होता है, कोई कहता है आप पूरे स्टेप्स बताइए, कोई कहता है कि तो आप डिटेल में इन्फॉर्मेशन ना दीजिए, शॉर्ट में एक लाइनर डाल के क्लोज़ कर दीजिए। तो ये हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग तरीके से हो सकता है, लेकिन बेसिक फंडा यही होता है, आपने क्या किया है वो सारा डाल के, लिख के, आपने जो जो स्टेप्स लिए हैं उसको डाल के क्लोज़ कर दीजिए। उसके बाद फिर से जिसने कॉल लॉक कर दी थी, उसके पास एक मेल जाएगा और उसे बताया जाएगा कि आपकी टिकट क्लोज हो चुकी। दोस्तों, इस टिकट जो मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको इस तरीके से समझिए, जैसे कि मान लीजिए आपके घर में एक मोबाइल हो सकता है, एसी हो सकता है, कुछ भी कोई भी एक डिवाइस हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, आपको कुछ प्रॉब्लम आती है, वारंटी में है। मान लीजिए मैं आपके लैपटॉप का प्रॉब्लम लेता हूँ, जैसे आप पीछे देख रहे हैं एक सिस्टम है लगा हुआ है और यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ गई। अब मैं क्या करूँगा, मेरा लिनोवो का सिस्टम है, तो मैं लिनोवो को कॉल करूँगा कि मेरे सिस्टम में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वो केस लॉक कर देंगे और मुझे एक नंबर देंगे, वो होता है टिकट नंबर या सर्विस रिक्वेस्ट नंबर या कुछ भी, वही एक टिकट होती है। अगली बार जब मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, तो मैं उन्हें बताऊंगा ये टिकट नंबर है, इस पर क्या अपडेट हुआ है, क्या काम किया है, तो वो उसे एक टिकट कहते हैं। तो वो टिकट बन जाती है, उससे ये आइडेंटिफाई होता है कि इस पर क्या क्या प्रोसेस हो रहा है और कहाँ तक प्रोग्रेस हुआ है, कहाँ तक पहुँचा है, कम्प्लीट हुआ है, नहीं हुआ है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ये बेसिक चीज़ें होती हैं। बाकी टिकटिंग टूल में बहुत कुछ होता है, लेकिन आप जब डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर की जॉब करते हैं, तो आपके लिए यही एक बेसिक चीज़ होती है। इसके अलावा ITSM में जाएंगे, तो वहाँ पे
आपके टिकटिंग टूल पे बहुत सारे प्रोसेस फंक्शंस होते हैं जो कि डाटा निकालने में या आपके यहाँ पे काम कैसा चल रहा है, कोई कोई एक्टिविटी चल रही है तो वो कैसे प्रोग्रेस कर रही है, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। बट डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर के लिए इतना ही काफ़ी होता है कि एक इंसिडेंट है और एक सर्विस रिक्वेस्ट है, आपने उसे सॉल्व किया, उस पर काम किया और उसको क्लोज़ कर दिया। और इसका एक टाइम पीरियड भी होता है, आपको उस टाइम पीरियड के अंदर उसे क्लोज़ करना पड़ता है, इसे SLA करते हैं, सर्विस लेवल एग्रीमेंट। तो आपको उस टाइम पीरियड के अंदर कोशिश करिए कि उसे ख़त्म कर दीजिए, क्लोज़ कर दीजिए। तो हर एक केस का अलग अलग टाइम पीरियड हो सकता है। तो टिकटिंग टूल के बारे में बात करें तो अगर आपको इसे देखना है, समझना है, तो बहुत सारे टिकटिंग टूल होते हैं, हर जगह हर कंपनी में अलग अलग यूज़ होता है, जिसमें से कुछ नाम मैं आपको बता देता हूँ, आप इनके बारे में सर्च करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कैसे काम करते हैं। ये भी आपको YouTube पे बहुत सारे वीडियो हैं, वहाँ पर आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। कुछ टिकटिंग टूल की बात करें जो ज़्यादा फेमस है, उनमें से एक सर्विस नाउ है जो सबसे ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा सिम्फनी सबमिट एक टूल है जिसे मैंने बहुत पहले यूज़ किया था, वो भी काफ़ी अच्छा टूल है। इसके अलावा आपको अगर मैं बात करूँ मैनेज इंजन, मुझे लगता नहीं शायद आज कोई यूज़ करता होगा, बहुत पुराना है और हो सकता है कोई यूज़ भी करता हो। इसके अलावा आपको इजी विस्टा, मैं आपको एक बताता हूँ, ये भी एक काफ़ी अच्छा टूल है, बहुत बढ़िया से काम होता है। एक वी फायर पहले होता था, अभी शायद होता है अभी भी, बट बहुत कम लोग इसे यूज़ करते हैं। तो इस तरह के कुछ टूल्स हैं, टिकटिंग टूल हैं, और आप इनके बारे में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आपको इसके बारे में बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आप कहेंगे कि मैं जब इंटरव्यू देने जाऊँगा तो मैं तो टेक्निकल पढ़ के जाऊंगा, उसके बारे में इंटरव्यू दूंगा, वहाँ पे ये सब प्रॉब्लम जो भी मुझसे पूछी जाएंगी मैं वो बताऊंगा, अपना स्किल दिखाऊंगा, तो मैं टिकटिंग टूल के बारे में कैसे बताऊं। तो आपको इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, आप बेसिक सा आइडिया रखिए। टिकटिंग टूल एक पोर्टल होता है जो आपके कंपनी में जितने भी लोग होते हैं सारे के पास होता है उसका लॉगिन, वो लॉगिन करके कंप्लेंट रेज करते हैं। मान लीजिए जैसे कोई एक दूसरे को मेल भेजता है, वैसे ही उस पोर्टल में आप कंप्लेंट लग के भेज सकते हैं और फिर वो आपके पास आएगा। आप जब इंजीनियर हैं तो आपके पास आएगा, आपको पता चलेगा कि किसको क्या प्रॉब्लम है, उसके पास जाके रिजॉल्व करेंगे और आप वापस आके उसमें क्या क्या आपने किया है, सॉल्व कैसे किया है, वो सब डाल के उसको क्लोज़ कर देंगे। इतना सा बेसिक फंडा आप याद रखेंगे फ्रेशर्स के लिए बहुत है। तो आपको आप जब बताएंगे तो आगे वाले को, इंटरव्यूअर को पता चलेगा कि हाँ आपको बेसिक आइडिया है। तो आज की वीडियो में हमने टिकटिंग टूल के बारे में बात किया। इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेरी, कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी बातों का, आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगा। मुझे खुशी होगी कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। और अगर कि आप डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर के लिए तैयारी कर रहे हैं या आप जॉब करते हैं, आपको किसी भी चीज़ में कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, किसी भी चीज़ के, किसी भी टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर बात कर सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, और अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब करते रहिए, नई नई चीज़ें सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।